योग पुरुष की परम यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से ही बहिरात्मा अंतरात्मा हो जाता है और अंतरात्मा की यात्रा ही परम पिता परमात्मा से मिलाती है। योग का अर्थ जोड़ है, जो भक्त को भगवान से जोड़ता है, भगवत्ता की पहचान कराता है। योग का अर्थ योग साधना है, जो अनादि काल से अनंत काल तक चलने वाली यात्रा योग है। आज हम योग के माध्यम से अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए हम परमपिता परमात्मा की मुद्रा को निहार करके देखें किस प्रकार से पद्मासन लगाए हुए हैं, क्योंकि आसन सिखाता है अनुशासन, आसन कराता है निज पर शासन, आसन मिटाता है आलस और दिलाता है आत्मानुशासन। इस आत्मानुशासन के साथ आप अपने जीवन में एक बार पद्मासन लगा करके हाथों पर हाथ रख कर बैठ जाइए, फिर आपको अपने जीवन में आत्मा पर अनुशासन के भाव पैदा हो जाएंगे। अपने आप ही आपके सातों चक्र जागृत हो जाएंगे। जब सातों चक्र जागृत होंगे तो कमर का दर्द हो, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे मोटापा हो, चाहे हृदय का रोग हो, चाहे शारीरिक किसी प्रकार का कष्ट हो, तो सभी कष्टों से निजात दिलाता है योग आसन। शारीरिक कष्ट के साथ आध्यात्मिक उपलब्धि भी योग के माध्यम से ही प्राप्त होती है। योग स्वयं की ओर लौटना है। हमारे युग पुरुष जब स्वयं की ओर लौटे, तभी से ही योग का शुभारंभ हुआ और आज उन्होंने सारी दुनिया को योग से जोड़ दिया। जैसे हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं, यह योग दिवस आपके लिए रात्रि के अंधकार से दूर भगाए और सूर्य के प्रकाश की तरह आपके जीवन को तरोताजा बनाए, आपके अंदर तेजस्विता, तपस्विता और एक आध्यात्मिकता के गुण पैदा कराए। ऐसे पावन योग दिवस पर हे परम ध्यानी, हे परम ज्ञानी, एक बार अपने अंदर की यौगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने अंदर की योग्यता को पहचानिए। जो अपने अंदर की योग्यता को पहचान लेता है, वही इस युग का जीता जागता योगी संत कहलाता है।